यूके फ्री वर्क वीजा बांट रहा है, वहाँ के एम्प्लॉयर लोगों को हायर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, स्पॉन्सर होने के लिए आपके पास एक जॉब होना बहुत जरूरी है। अगर जॉब में सिलेक्ट नहीं होंगे तो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कैसे करेगा? तो यूके में जॉब सर्च कैसे करें और उस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें, किस वेबसाइट के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है यूके में जॉब अप्लाई करने के लिए, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूं ही हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। आज मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहां से आप डायरेक्ट यूके के, मतलब ऑल ओवर द यूके के जॉब्स के बारे में जान पाएंगे और डायरेक्ट वहां से अप्लाई भी कर पाएंगे। बस आपको वहां पर एक अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा, और वहां पर जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए सीवी को अपलोड कर देना है और आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर यूके में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यूरोपियन फॉर्मेट की सीवी नहीं लगेगी, ना ही आपको इंडियन फॉर्मेट की सीवी लगेगी, आपको एक यूके फॉर्मेट की सीवी बनानी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वो यूके फॉर्मेट की सीवी बना करके और कवर लेटर बना करके तैयार करके आपको दे, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नीचे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमें डीएम कर सकते हैं अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं या फिर आप हमसे अपना सीवी या फिर कवर लेटर बनवाना चाहते हैं, भले ही वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का हो या फिर यूके स्टैंडर्ड का हो या फिर किसी भी देश के अकॉर्डिंग वो सीवी बनाना हो आपको, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूँ उस वेबसाइट पे जहाँ से आप डायरेक्ट यूके के जॉब्स के बारे में सर्च कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे और तभी यूके फ्री वर्क वीजा आपके किसी काम आएगा। दोस्तों, इस वक्त हम gov.uk की वेबसाइट पर है, जो कि यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द बेस्ट प्लेस टू फाइंड गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन, सिंपलर, क्लियर एंड फास्टर। यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं यूके गवर्नमेंट के बारे में। उसी के नीचे अगर थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है दोस्तों, फाइंड अ जॉब। यहाँ पर हमें सिंपली फाइंड अ जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और जैसा कि ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है तो ये एक ट्रस्टेबल वेबसाइट भी है जहाँ से आप किसी भी जॉब के बारे में सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फाइंड अ जॉब वाले पेज में आने के बाद हमें सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप एक ऐसे पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा जहां पर एक लिखा होगा कि व्हाट, मतलब आप किस जॉब के बारे में सर्च करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स डाल सकते हैं, कंपनी के नाम डाल सकते हैं और नीचे उसी के नीचे आप सिटी का नाम डाल सकते हैं, मतलब किस जगह पे आप सर्च करना चाहते हैं, सिटी, कंट्री, पोस्ट कोड अगर आप डालेंगे और नीचे ब्लैक कलर के सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारी जॉब्स लिस्ट हो जाएंगी जो वहाँ पर अवेलेबल होंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इस गवर्नमेंट साइट पे लॉगिन कर लेंगे। तो हम फाइंड अ जॉब के बगल में एक मेन्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड क्रिएट अ पासवर्ड। दोस्तों, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हमें सिंपली नीचे स्क्रॉल करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारे दिए गए ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन लिंक भेजी जाएगी जिसको ओपन करके हमें अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। दोस्तों, यहाँ पर हमें ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लेना है अपने ईमेल आईडी को खोल के, और आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज लिख करके यहाँ पर सामने आ चुका है। अब हम वापस अपने फाइंड अ जॉब वाले पेज पे जाएंगे और उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे इसको, और रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं ऑलरेडी साइंड इन, यू आर करेंटली साइंड इन, आपका ईमेल आईडी लिख करके आ जाएगा यहाँ पर। अब आप बैक जाएंगे फाइंड अ जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, उसके बाद आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी जॉब या स्किल या कंपनी का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अगर आप किसी डिलीवरी बॉय के जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं यूके में तो यहाँ पर डिलीवरी टाइप कर लेंगे। डिलीवरी टाइप करने के बाद नीचे आप कहाँ पर सर्च कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे शहर हैं यूके में तो आप एग्जैक्टली कहाँ पर कर रहे हैं, तो मैं यूके ही लिख कर दे देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर सर्च पे बटन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि 64,095 डिलीवरी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं यूके में। अगर आप नीचे जाएंगे तो आप इन जॉब्स के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स लिस्टेड हैं। अगर आप किसी भी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस जॉब पे क्लिक करना है और आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टिंग डेट, यानी कि इस जॉब को कब पोस्ट किया गया है, आवर्स यानी कि कितनी देर की ये जॉब है, फुल टाइम जॉब है दोस्तों, लोकेशन भी बताई गई है। और नीचे अगर जाएंगे तो आप समरी,
आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करके, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम उस कंपनी के द्वारा पोस्टेड वेबसाइट पे आ चुके हैं जिस कंपनी ने वो जॉब लिस्ट की थी वहाँ पर। यहाँ से आप सिंपली ज्वाइन अस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डाल के गेट स्टार्टेड पे जब क्लिक करेंगे तो आप इनके प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर आप एक कुरियर बन सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो दोस्तों इतना आसान है। चलिए आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज़ अब हम शेफ टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर शेफ़ की जॉब सर्च कर लेते हैं, यूके में सर्च कर लेते हैं। दोस्तों शेफ़ की जॉब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे 7,934 शेफ़ जॉब्स इन यूके अवेलेबल है। दोस्तों उसके नीचे अगर आप देखेंगे शो फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे, शो फिल्टर्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि लोकेशन आप फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यूके के अंडर भी आप इन सारी जगहों में से किसी एक जगह को चुन सकते हैं, जैसे साउथ ईस्ट इंग्लैंड, लंदन वगैरह वगैरह। उसके बाद नीचे सैलरी रेंज है, सैलरी रेंज भी आप डिपेंड कर सकते हैं कि कितनी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी और आप वहाँ की जॉब देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो आप सिंपली कोई भी जॉब ले सकते हैं। दोस्तों मैं रिसेंटली लिस्टेड जॉब को देखता हूँ, यहाँ पर जैसे 17 मार्च को लिस्ट हुई है ये शेफ़ की जॉब, तो मैं सर्च कर लेता हूँ इसको। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये सारे लोकेशन वगैरह, जॉब टाइप, शेफ, सब कुछ देखने के लिए मिल गया। यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के लिए मिल गई है। अब अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्टली यहीं से अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है आपको, अपना ईमेल एड्रेस डालना है आपको, उसके बाद मैसेज में ये ऑटोमेटेड एक मैसेज फिल होकर के आया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं और अपना कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ नीचे अटैच और सीवी का ऑप्शन है। अटैच करने के बाद यहाँ पर आप अपनी सीवी अटैच कर सकते हैं या अपलोड, अगर आपकी सीवी अपलोडेड नहीं है तो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद रिसीव अ कॉपी ऑफ दिस मेल, यहाँ पर क्लिक करके टिक करने के बाद आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर सकते हैं। इतना आसान है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और जिस कंपनी ने ये जॉब लिस्ट की हुई है आप उनके वेबसाइट पे भी रीडायरेक्ट किए जा सकते हैं और वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना आसान था दोस्तों यूके की ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट से जॉब सर्च करना और उसके लिए अप्लाई करना। तो भैया ये थी यूके की ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए, सर्च कर सकते हैं ऑल ओवर द यूके। इतना आसान था दोस्तों, आपको मैंने फुल प्रोसेस दिखाया, 2-3 एग्जांपल्स भी दिखाए और आपको बताया कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर अगर आप आते रहते हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक यूके फॉर्मेट की सीवी या कवर लेटर बनवाना चाहते हैं या फिर आप एक यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी या कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पे हमें डीएम या मेल कीजिए और हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।